नमस्कार भाई, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परमिशन कैसे चेंज कर सकते हैं कि मतलब किसी भी फाइल्स का, कि मतलब किसी फाइल्स का लिनक्स में, ठीक है। तो परमिशन चेंज करने के लिए किसी को भी कोई परमिशन देने के लिए आपको एक फाइल क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे। तो चलिए शुरू करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। देखिए, हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट एक फाइल है जिसको अगर ls space dat la अगर टाइप करें तो देखिएगा कि इस फाइल का जो है परमिशन है कि इसको सिर्फ एडमिन रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सकता है। तो इसको एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए आपको करना यह है कि आपको टाइप करना है chmod प्लस एग्जीक्यूट का एक्स, उसके बाद टाइप करना है, क्या टाइप करना है, उसका उसका अथी क्या कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसका डायरेक्टरी नाम। तो हेलो world वर्ल्ड डॉट txt टेक्स्ट, ठीक है। अब हम ls स्पेस la टाइप करके देखते हैं। देखिए, पहले ग्रीन नहीं था, ग्रीन हो गया है और साथ में एक्स आ गया है तीनों जगह। तो पहले एक्स नहीं था इसमें। तो अब हम चाहते हैं कि इसको कोई भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके, तो कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हमको करना है कि chmod टाइप करेंगे, प्लस टाइप करेंगे और 777 टाइप करेंगे। प्लस शायद हटा देना है, हमको पता नहीं है, देख लेते हैं अभी। उसके बाद टाइप करेंगे हेलो हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट। उसके बाद टाइप करते हैं lsla और देख सकते हैं अब इसको कोई भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऐसे ही करके आप परमिशन चेंज कर सकते हैं। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब कोई फाइल डिलीट ना हो रहा हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।